11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई थी। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में, मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था, 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए, 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर हुए। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से नहीं, मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह, पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है।